नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत देवबर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल क्राफ्ट्स लैब। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड पौष्टिक आहार। ये न्यूट्रिशन एंड पौष्टिक आहार क्या है और इसका क्या बेनिफिट्स है हम लोगों के लिए, ये क्या क्यों ज़रूरी है, और ये समझेंगे हम थ्री सिंपल स्टेप से हम इसको समझेंगे क्यों, कैसे और कहाँ से। चलिए हम बात करते हैं फ्रेंड्स। हमारे रोज का मन का और शरीर का जो नीड है वो है पौष्टिक आहार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। और ये न्यूट्रिशन जो पौष्टिक आहार है वो हमें कहाँ से मिलेगा, तो ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा हमारे रोज का जो खाने का जो प्लेट है और थाली है, इसमें से हम मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे जैसे एक छोटा सा पौधा, उसको एयर बनने के लिए उसको सही जगह, सही खाद, सही पानी और सही सीजन चाहिए। इसी तरह से जैसे एक हेल्थी और फिट शरीर और मन के लिए पौष्टिक आहार सही जरूरत है। और ये जो थाली और ये जो प्लेट है, यही हमारा जो कंस्ट्रक्शन का गेटवे है, हमारे शरीर और मन का जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का मेन गेटवे यही है। तो उससे कंट्रोल करके, उससे थोड़ा सा ध्यान देके हम अपने शरीर और मन को ठीक तरह से फिट कर सकते हैं। शरीर के साथ में बोलेंगे तो जो न्यूट्रिशन और पौष्टिक आहार है, इसके भीतर सही मात्रा से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, फिर मिनरल, पानी और भी बहुत सारी चीज़ ज़रूरी चीज़ होते हैं सही मात्रा से। और जो हमारे खाने के साथ भीतर जाके उसके जगह शरीर का जो छोटे छोटे सेल है उसको वो पोषण करता है, और जिससे हम लोगों को जो एनर्जी और काम करने का जो शक्ति वो इससे हमें मिलता है। तो दोस्तों, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल, फाइबर जो है वो हमारे शरीर के भीतर कैसे काम करते हैं वो हम समझेंगे थोड़ी देर। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, मिनरल्स है, फाइबर है, जो है वो हर एक का डिफरेंट काम होते हैं, लेकिन इसका सब मिला के जैसे टीम वर्क हमारे शरीर का जो एनर्जी है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको जनरेट करने के लिए सब मिला के एक बैलेंस वर्क और टोटल एनर्जी क्रिएशन पे ये लोग काम करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए वो हमारे शरीर को शक्ति देता है, और जैसे प्रोटीन हो गया वो हमारे शरीर को निर्माण करते हैं, और जो फाइबर हो गया, मिनरल्स हो गया, सब पानी हो गया, सब मिलकर ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं। ये हो गया उसका हमारा भीतर का जो एक्टिविटीज। और तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे सिंपल वे से। हमारा जो खाने का जो प्लेट है, हमारा जो थाली है और ग्लास है, रोज हम इसको यूज़ करते हैं, इसको सही तरीके से डिज़ाइन करेंगे, थोड़ा ध्यान देके उसको थोड़ा डिज़ाइन करेंगे सिंपल वे से।